श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रीसी भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। नाभे रसा वृषभ आस सुदेवी सूनु यो वै चचार समद्र जड़ योग चरियाम यत्पारमहंस्य मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांतकरणः परिमुक्त संगः। अनुवाद शब्दार्थ नाभि महाराज नाभि के द्वारा असौ श्री भगवान ऋषभः ऋषभ आस हुए सुदेवी सुदेवी के सुनो पुत्र यह जिन्होंने वही निश्चय ही चचार संपन्न किया समद्रक समदर्शी जड़ भौतिक योगचर्याम योग अभ्यास यत जो पारमहंस्यम सिद्धि की सर्वोपरि अवस्था ऋषयः ऋषिगण पदम पद आमनन्ति स्वीकार करते हैं स्वस्थः अपने में स्थित प्रशांत स्थिर करणः इंद्रियां परिमुक्ता पूर्णतया मुक्त संगः भौतिक कल्मश। अनुवाद राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्धि पद भी माना जाता है जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती है उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुँचाने की बहुत सी विधियों में से एक है किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्पबुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेते रहते थे और हटते नहीं थे किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है किंतु सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना अर्थात इंद्रियों को वश में करना है जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। योग की समूची प्रक्रिया चाहे इसे जो भी नाम दे संयमित इंद्रियों को वश में करने तथा खुद को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए
व्यावहारिक है जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निद्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भरतवर्ष भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरुदेवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरुदेवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरुदेवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताश्रीशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव का वर्णन है, जो बहुत ही उन्होंने अपने पुत्रों को अद्भुत उपदेश दिया था और अंत में वे ये यहाँ लिखा है कि जड़ योग चर्याम, जड़ योग का पालन किया था उन्होंने। ये जड़ योग बहुत कठिन है और ये जड़ योग प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी भी विधियाँ हैं, योग जितनी भी योग साधने हैं, उसमें जड़ योग को मान्यता प्रदान की गई, यानी ये जड़ योग से है भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जड़ योग क्या है, क्यों जड़ योग का आचरण करना होता है? जड़ योग वो व्यक्ति जो आगे बढ़े हुए व्यक्ति है, जो कंप्लीटली आत्मा में लीन होते हैं, वो जड़ योग कर सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु साधारण लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। ये तो एक विधि है जिसमें बाल को बढ़ाते हैं, वो बाल को शेविंग नहीं करते हैं, लेकिन वो बाल को चूंट के निकालते हैं, बहुत दर्द होता है उसमें, लोच कहते हैं उनको। तो ये एक विधि है, इसमें पत्थर जैसा रहते हैं, पत्थर ही, पत्थर को आप कितना भी मारो, कुछ भी करो, बारिश गिरे गर्मी पड़े, उसको कोई असर नहीं होता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के लिए उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुँचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन कर लेता है। ये कौन सहन करेगा, विशेष करके इस कलयुग में मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसका उद्देश्य क्या है, ये जड़ योग का? जड़ योग का उद्देश्य है इंद्रियों का नियंत्रण करना। जड़ योग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित रहना। मतलब समस्त भौतिक मोह से, यानी इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय जब इससे कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ आत्मा में, मतलब ये ब्रह्मभूत अवस्था इसको बोलते हैं, बाह्य कुछ भी, बाह्य शारीरिक कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो,
मन को, बुद्धि और तन शरीर, इन तीनों को जो भी पीड़ा हो उसको सहन करके आत्मा में स्थित रहना, ये इस कलयुग में ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल है। और इसका उद्देश्य यही है कि आत्म साक्षात्कार करना। फिर ये योग, प्रत्येक योग का उद्देश्य क्या है कि इंद्रियों को कंट्रोल करके, अष्टांग योग विशेष करके, अष्टांग योग ये इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर मन को भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि इसका असली उद्देश्य प्रशांत करना, प्रशांत करना परिमुक्त संगह, भौतिक कलम से पूर्णतया मुक्त होना, प्रशांत करना इंद्रियों को नियमन करना, तभी ये भौतिक परिमुक्त संघ कब बनेंगे। ये थोड़ा सा इस भौतिक जगत में थोड़ा सा समस्या आ गया, हम डिप्रेस हो जाते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है भौतिक कलम से परिमुक्त, वो उसे दूर रहना है। भौतिक कलमश, ये कलमश ये जो युग है कलयुग, कलह और दंभ का युग है, और कलमश वो श्लोक है ना कि इति शोषकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यही उद्देश्य कलमश को नाश करना। तो क्या है ये कली इति शोषकम नाम नाम, ये 16 शब्दों का बना हुआ हरे कृष्ण महामंत्र कली कलमश नाशनम। और यहां यही परिमुक्त संगह, सेम चीज, संगह भौतिक कलम से परिमुक्त होना। इतना भारी योग करने से वही रिजल्ट मिलता है, यदि हम इसमें सफल होंगे तो, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। कैसे सफल हो सकेंगे, बाल को ऐसे चूटना, शरीर को कष्ट देना गर्मी में, आप देखते हैं ये योग ये जैन लोग पालन करते हैं, वो चल के जाते सब जगह और मोटे कपड़े वस्त्र पहनते, गर्मी में भी कष्ट देते हैं शरीर को, है ना। तो ये सबके लिए शक्य नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य तो कली कलमश को नाश करने के लिए ये जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, नाता पर तो उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये इसी श्लोक में, वो श्लोक में हम समझ सकते हैं इति शोषकम नामनम कली कलमश नाशन नाता परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। और इस कलयुग के लिए, कलयुग के कलमश को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तो ये भी उपाय नहीं है। ऋषभदेव ने जो आचरण किया वो कलयुग नहीं था, द्वापर त्रेता युग था, द्वापर या त्रेता युग होगा, तो उसमें ये कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, लेकिन ये कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। नाता परतर उपाय ब्रह्मा जी कहते हैं, और कोई उपाय नहीं इसके अलावा, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं। और प्रभुपाद भी यहां कहते हैं कि इस योग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। कैसे व्यावहारिक नहीं है, कौन करेगा ये सब, और कितना दिन खाए पीने पिए बिना रहता था रहना है, और सब कुछ सहन करना है, कोई थूके कोई पेशाब करे वो सहन करना है, और मल सबसे पहली अगर इसको ये योग को किसी को ये करना है तो उसके मल में से सुगंध निकलनी चाहिए ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि ऋषभ देव अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था, और साधु पुरुषों ने परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। नहीं नहीं ज्यादा 80 मील है। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे ऋषभ सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए, भगवान है ये। और वो युग अलग था, उस युग में आप कर सकते थे, कलयुग में पॉसिबल नहीं है, स्पष्ट रूप से है। यानी कंडीशन क्या है, बाल को चुटना है, लेकिन किसके लिए,
इन मोह से मुक्त होने के लिए, और मल में से सुगंध निकलनी चाहिए, बस ये हमारे लिए, ये जड़ योग पॉसिबल नहीं, इसका एक ही बात है। जो व्यक्ति, वही व्यक्ति जड़ योग कर सकता है जिसके मल से सुगंध निकले। और देखिए, बहुत कष्ट करते थे उनके ऊपर महाराज ऋषभदेव ने अपनी अंतिम अवस्था में, मूक पागल पुरुष की तरह भांति विचरण करते थे। यहाँ तो ऐसे मुनि जाते हैं तो उसके पीछे हजारों लोग घूमते हैं, उसको सम्मान देते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखे, उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते थे ऋषभदेव भगवान के ऊपर, और उन पर पेशाब करते थे। उन्होंने थोड़ा बहुत ऋषभदेव से लिया, लेकिन गली कूचों के वे अपनी विष्ठा पर लेटे रहते थे, हटते नहीं थे। ये कौन कर सकता है? जो कंप्लीटली, ये ऋषभदेव दिखाते थे कि जो मुक्त पुरुष, मतलब जो आत्म साक्षात्कार में रत रहते, उनके ऊपर बाह्य कोई असर नहीं होती थी। और ऐसे नहीं, ये अभ्यास जो, वो अभ्यास नहीं करते थे, वो दिखाते थे कि जो आत्मा में रत रहते हैं उनको कोई असर नहीं होती है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस योग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। भक्ति योग कलयुग के लिए, भक्ति योग के अलावा और कोई योग काम नहीं होगा, कोई योग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे उपवास व्रत तप नहीं कर सकते हैं। ऐसे नंगा घूमना, कोई हमको थोड़ा भी, हमारा कसूर नहीं है और हमको थोड़ा भी तो ये करेंगे तो हम सांप की तरह उसको रिएक्शन देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ये व्यावहारिक नहीं है। भक्ति योग इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि यदि हम इस योग का पालन करने जाएंगे, कोई हमारे पर थूकेंगे, कोई हमारे पर पेशाब करेंगे, हमको गाली देंगे, तो सहन करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति योग करेंगे, उसमें धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, तब कोई हमारे पर कुछ भी करे हमको असर नहीं होगी, हम ब्रह्मभूत अवस्था से में आ जाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णु नामानि न मान्दे न कीर्तने सदा हरि। जो वो व्यक्ति हरि का कीर्तन कर सकता है जो दूसरे को मान देता है लेकिन अपने लिए मान के आशा नहीं रखता। इसलिए ये दोनों योग का एक ही उद्देश्य है कि इंद्रियों को संयम करना और भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण सतत करना। ऋषभदेव तो भगवान थे, लेकिन ऐसा ही जड़ योग ऋषभदेव के पुत्र के तीसरे जन्म में जड़ भरत ने किया था, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन उसके मन में वो कृष्ण का सतत चिंतन करते थे। बाह्य अवस्था में वो लोग उसको थूकते थे, उसको पागल समझते थे, तो ये सब उन्होंने प्रदर्शित किया था जड़ भरत ने, पर उनका मन सतत कृष्ण में फिक्स था। तो हमें भी भक्तियों का आचरण करना है, उद्देश्य क्या है, मन को सतत कृष्ण में फिक्स करना, सतत कृष्ण का स्मरण रहे, ऐसा कार्य करना है भक्ति योग के माध्यम से। तो हम, इसीलिए हम लोगों को अभ्यास नहीं है, ना तो हम लोगों के जड़ योग करने का अभ्यास है, ना भक्ति योग का, लेकिन हम भक्ति योग करेंगे तो उसमें धीरे 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 हम हमारे मन को हम कंट्रोल करेंगे। जैसे 16 माला करना, तो 16 माला करना तो मन को बराबर कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मन एक क्षण के लिए फ्री नहीं है, वो हमको एक क्षण के लिए बैठे नहीं रहेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करेगा। तो ये भक्ति योग से भी हम यही जड़ योग जैसा कर रहे हैं ना, मतलब भगवान, मन को भगवान में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। जड़ योग से हम नहीं कर सकते मन को इस योग के लिए स्पेशली। तो हम धीरे 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 जप करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, मॉर्निंग जल्दी उठेंगे, रीडिंग करेंगे, तो इस प्रकार से मन धीरे 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 कृष्ण के शरण में जाएगा, कृष्ण के स्मरण में जाएगा।
और ये इस युग के लिए व्यावहारिक है जो सर्वथा उपयुक्त है। और ये व्यावहारिक कैसे है हम देखते हैं, हम अपने जीवन में देखे, आप लोग अपने जीवन में देखते हैं कि बिल्कुल व्यावहारिक है। अगर बाल को चूटना है 10 दिन तक खाना नहीं है, वो व्यावहारिक नहीं है, लेकिन ये व्यावहारिक है इस कलयुग के लिए। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जो ऋषभ देव भगवान योग की परम सिद्धि अवस्था में थे, वो बिल्कुल देहात्म बुद्धि में नहीं थे, लेकिन वही अवस्था ऋषभ देव भगवान जैसी अवस्था जो हमको शिक्षा देते हैं, इस प्रकार की अवस्था प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए। वो शिक्षा ये अवस्था श्रीमद् भागवत हमको सुनकर प्राप्त हो सकती है। ऋषभ देव हाँ, तो हमें ये इससे यही शिक्षा प्राप्त करनी है, जो जड़ योग नहीं लेकिन भक्ति योग प्राप्त आचरण करना है और ऋषभ देव की तरह एक मुक्त बन जाना है। जब ऋषभ देव का जंगल में थे तब अग्नि आग लग गया और उस अग्नि आग लगने में ऋषभ देव स्वाहा हो गए थे। तो इसी प्रकार हम लोगों को आत्मा में बिल्कुल फिक्स होकर कृष्ण के स्मरण में रहकर शारीरिक दुख को झेल कर सहन करके हमें भगवत धाम जाना है, हमारे मृत्यु को ये शरीर को छोड़ना है। शरीर छोड़ने के समय कितनी पीड़ा होती है, लेकिन हमें इस भक्ति योग का आचरण करके इस पीड़ा से मुक्त हो जाना है। और भगवान ऋषभ देव आप सब जानते हैं, उनका पुत्र, उनके 100 पुत्र थे और उनका उपदेश बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजा मेरु की पत्नी सुदेवी, और यहाँ 2 नाम है, मेरु देवी और सुदेवी। इस श्लोक में सुदेवी है, लेकिन सुदेवी प्रभुपाद कहते सुदेवी मेरु देवी दोनों एक ही स्त्री का नाम है। तो उनके बेटे भरत के नाम से इस वर्ष का पृथ्वी का नाम भरत वर्ष पड़ा था, भारत वर्ष। तो इस प्रकार हमें ऋषभ देव के उपदेश और ऋषभ देव के व्यवहारिक आचरण से, उन्होंने जो अंतिम अवस्था में आचरण किया वो भक्ति योग के माध्यम से वो अवस्था प्राप्त करनी है, और भक्ति योग के माध्यम से उनके उपदेश का पालन करना है। नायम देह दे भाजा नुलोके, ये मनुष्य जीवन मिला है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, और वही उन्होंने दिखाया अपने बेटे को कि तपो दिव्यम पुत्र गायन, तप करने के लिए। तो उन्होंने ये अष्टा ये जड़ योग का तप किया और हमको भक्ति योग का तप करना है, यही बात है। हमें जड़ योग का तप नहीं करना है, भक्ति योग का तप करो, हमारा जन्म सफल होगा, हमें ऋषभ देव भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे और हम इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पतयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं भ्रमिमि। हे साधव सकलेविहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।